जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप एयरटेल डिजिटल टीवी यूज़ कर रहे हैं तो इसका कस्टमर केयर नंबर पे आप कैसे कॉल करेंगे और वो कौन सी नंबर पे कॉल करने पर कस्टमर केयर पे आपका फ़ोन लगेगा, और साथ में ये भी जानेंगे आपका स्टेज वॉइसिस लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज के कस्टमर केयर नंबर क्या है। तो सारा डिटेल्स जो है इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक जो ऑल इंडिया बेस्ड नंबर है ये मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, 1800103 6065। तो इससे यहाँ पे आपको कॉल करना है। तो यहाँ पे कॉल लगने के बाद सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए एयरटेल डिजिटल टीवी में कॉल लग गया मेरा, और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नंबर सबको शो हो रहा है, जैसे ऑल इंडिया नंबर जो है ये। और अगर आपका एयरटेल मोबाइल है इसमें से आपको 1250 पे कॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट किया सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज को। तो यहाँ से मेरा मतलब रजिस्टर मोबाइल या रजिस्टर आईडी नंबर डालने की प्रक्रिया करना है यहाँ से। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको आरएमएन नंबर ही डाल देता हूँ। फिर यहाँ से कंफर्म करने के लिए मुझे 1 प्रेस करना है, 1 प्रेस कर लेता हूँ। अपने सेट टॉप बॉक्स से संबंधित किसी समस्या की रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं। अकाउंट संबंधित अनुरोध, फिर 1 प्रेस करने के बाद यहाँ से मुझे 3 प्रेस करना है। एक्चुअली मेरा ये कंटिन्यू नहीं करूँगा ये आरएमएन नंबर, तो मैं यहाँ से इसको 2 प्रेस करूँगा। 2 प्रेस करने के बाद मुझे 3 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको आरएमएन नंबर है देन ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 प्रेस करने के बाद 3 को प्रेस करूँगा यहाँ से। 3 दबाएं। अपनी आईवीआर की भाषा बदलने के लिए या एयरटेल डिजिटल टीवी खरीदने के लिए 4 दबाएं। इस मेन्यू को दोबारा सुनने के लिए कृपया 0 दबाएं। इस कॉल के दौरान अपने फीडबैक देने के लिए स्टार दबाएं। प्रेस करने के बाद आपके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको देखिए मैं यहाँ से 3 प्रेस कर रहा हूँ। और कस्टमर आईडी जानने के लिए 1 दबाएं। तो जब भी आप ये सिलेक्ट करें आईवीआर को मतलब फॉलो करें अच्छी तरह से, वहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है, तो मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ। रिचार्ज की जानकारी के लिए 3 दबाएं। बेहतरीन ऑफर्स और पैक्स के लिए 4 दबाएं। इस मेन्यू को दोबारा सुनने के लिए कृपया 0 दबाएं। तो लैंग्वेज के लिए मुझे 3 प्रेस करना है, फिर मुझे ये नंबर आईडी डालना है, फिर मुझे कंफर्मेशन के लिए 1 प्रेस करना है, फिर मुझे यहाँ से और आगे जाके एक बार और 3 प्रेस करना है, फिर 9 दबा देना है यहाँ से। तो 9 दबाते ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से मेरा बात हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो मेरे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात हो जाएगा अभी। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए, फिलहाल मैं ये कॉल रिसीव नहीं करूंगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ से। ऐसे करके आप भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बड़ी इजीली बात कर सकते हैं। तो अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ आपका स्टेट वाइसेस जो भी नंबर से, क्योंकि मेरा बात हो रहा है यहाँ से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका अलग अलग स्टेट से कौन सा नंबर है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे, देखिए वो नंबर यहाँ पर सारा डिटेल्स है। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है संजय। तो चलिए मैं आगे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्टेट वाइजेस नंबर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑल इंडिया की किसी भी प्लेस से आपको कॉल करना चाहते हो 24x7 टोल फ्री नंबर जो है ये एक्चुअली ये नंबर है 1800103 6065। और अगर आप स्टेट वाइजेस आपका स्टेट का लोकल कस्टमर केयर पे कॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर सारे स्टेट वाइज नंबर दिया हुआ है। जैसे कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ से अगर आप कॉल कर रहे हो तो 0755 444 8080। उत्तर प्रदेश से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 0522 444 8080 है। कर्नाटक से कॉल कर रहे हैं तो आपको 0804 10 4 8080 है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से कर रहे तो 0404 10 4 8080 है। मुंबई से अगर आप कॉल कर रहे तो यहाँ से 0224 10 4 8080 है। महाराष्ट्र से अगर कॉल करें 0204 10 4 8080 है। अब हिमाचल प्रदेश से अगर आप कर रहे तो यहाँ से 0862 8048080 है। असम से अगर आप कॉल कर रहे तो यहाँ से 8133 8480 80। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का ही है, असम से आप कॉल करते हो इस पर ही लगेगा, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से कॉल करते हो इसी पर ही लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर से अगर आप कॉल कर रहे तो यहाँ 0959674 8080 है। बिहार एंड झारखंड से कॉल करें तो 0995514 8080। वेस्ट बंगाल से अगर आप कॉल कर रहे कस्टमर केयर पे तो आपको 0334104 8080 है। दिल्ली से अगर आप कॉल कर रहे तो 0111
4x4 8080 है। तमिलनाडु का अगर 0444-44-8080 है। केरला से अगर आप कॉल कर रहे हैं 0484-444-8080 है। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से अगर आप करो, पहले ही मैंने बता दिया नंबर 0813294-8080 है। हरियाणा से अगर कॉल कर रहे तो यहाँ से आपको 0124x4-8080 है। गुजरात से अगर कॉल कर रहे तो 0794x4-8080। राजस्थान से अगर कॉल करें 0141-444-8080। उड़ीसा से अगर कॉल करें तो 0707-7744-8080 है। पंजाब से अगर आप कॉल कर रहे तो 0172-444-8080। ये कुछ नंबर से, और अगर एयरटेल यूज़र हो आप, एयरटेल मोबाइल से अगर आप कॉल करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए नंबर दिया हुआ है नीचे आपको 1-1-5-0, ये नंबर पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।